अभी खुशखबरी हुई तो अल्लाह, अब तीसरा बाबू भी आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है यासीन शेख ब्लॉग में। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस मैं सुबह से काम पे था, दोपहर बाद मेरी छुट्टी हुई और ये देखिए यहाँ पर हमारे ही मतलब आगे गली में काम चालू है। यहाँ पर हमारे गुलाम भाई काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत हो? और क्या बोलते गुलाम भाई, यहाँ पे काम चल रहा है? तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और गुलाम भाई ना आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि उनका फोन कौन से मोड़ पे चले गया था, कौन से मोड़ पे चले गया था? हवाई मोड़ पे यार मोबाइल रख दिया था, किसका कितना फोन आ रहा है हवाई मोड़, किसी का फोन ही नहीं आ रहा, फिर मैं भी परेशान, क्यों नहीं लग रहा है फोन? अच्छा, अरे बहुत, तो तुम रखे थे ऑटोमेटिक चले गया था? पता नहीं, अनजाने में हो गया। अरे हवाई मोड पे ऑटोमेटिक चले गया था, तुम उसको हवाई नहीं एरोप्लेन मोड बोल रहे हो? ठीक है, क्या एरोप्लेन मोड? हवाई मोड बोल रहे, अल्लाह। तो हम लोग आ गए हैं चाय की दुकान पे भाई, दो चाय तो आ गए अपनी गर्मा गर्म चाय। तो गाइस मैं आ गया था घर पे, और आके हम लोग थोड़ा सी सो गए थे, तो अभी जस्ट उठे हैं और दूध लेकर आ देखिए सालिहा बनाने जा रहे हैं अभी चाय। और सालिहा के पेट में पता नहीं क्यों अचानक दर्द, पहले मतलब दो तीन दिन से तो दर्द दे रहा था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही दर्द दे रहे हैं, बहुत दुख रहा है, हद से ज़्यादा एकदम। क्यों दुख रहा है, मतलब क्या हुआ अचानक? तो मेरे ख्याल से पानी कम पीते रहेंगे ना, तो इस वजह से हुआ रहेगा। और मेन बात क्या, सालिहा में ना अभी बहुत कमज़ोरी भी है, मतलब दोनों बच्चे में सिर्फ एक साल का गैप है ना, तो कैसा औरत ना इसमें रिकवर जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि ये जहाँ से पहले दवा लेकर आते हैं ना, तो उन्होंने बोले थे कि मतलब थोड़ी कमज़ोरी आएगी, थोड़ा पेट वगैरह दुखेगा, और ये पटला तो बहुत मुश्किल से हुआ ही है, ये एकदम बहुत बहुत तकलीफ़ दिया आने के टाइम, उसने बहुत तकलीफ़ दिया, पटले ने बहुत तकलीफ़ दिया इसने आने के टाइम, तो इसी वजह से कैसा थोड़ा कमज़ोरी की वजह से लग रहा रहेगा। और ये गाइस ये ना पानी भी नहीं पीते ना ज़्यादा, तो इसलिए चलो खैर कोई बात नहीं, चाय बनाओ। अभी 6:30 बज रहे हैं, जाते हैं अपन डॉक्टर को दिखा के आते हैं कि क्या है, क्या हुआ, क्यों दुख रहा है, ऐसा कुछ दवा वगैरह लेकर आते हैं। ठीक है, कब तक आएंगे? आधे घंटे में, बाजू में तो है, 7 बजे तक आ जाएंगे आराम से। चलो चाय पी लेते, उसके बाद दवा खाना जाकर आके बना लेना। हाँ ठीक है, चलो, इनको रोटी बनाने की बहुत टेंशन हो रही है। खैर चलो कोई बात नहीं, चाय पी लेते, फिर उसके बाद में जाते हैं दवाखाना, इनको दवा डॉक्टर को। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत दुख रहा है, अल्लाह आसानी दे। वो पानी कम पीने की वजह से ना दुख रहा रहेगा इसीलिए, क्योंकि पानी कम जब पीते ना तो मतलब खाना बराबर मिक्सिंग नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसके वजह से दुख रहा है। देखना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही बोलेंगे पानी ज़्यादा पियो, लिख के ले लेना मेरे से। हाँ बेटी मेरी जान, तुमने चुच्चू कर दिए ना? नहीं नहीं उठो, नहीं दूध पिलो, दूध पिलो, दूध पिलो, बस हो गया। अच्छा मतलब खा लिए तो बस फेंको उसको बॉटल में। वाह वाह वाह, क्या बात है, सालिहा की बेटी फातिमा, ऐसा करेंगे तो। मैं जब तक बच्चों के लिए हगीस ले रहा था ना, कैसा अभी जाएंगे ना तो टॉयलेट वगैरह कर देंगे, इसीलिए ले लेता हूँ। फातिमा चलो तुमने हगीस पहन लिए, और अरहान बाबू यहाँ पर मम्मा आगिस पिला रहे हैं, सुनो लो आगिस पिला के ना, चलो तुम भी बुरका पहनो। ठीक है, अब मैं जब तक चाय खुद ही वो कर लेता हूँ, बंद हो गई है थोड़ी सी, बस बंद है, ये नहीं पिए क्योंकि पेट में जब इंसान को जब कुछ तकलीफ़ होती है ना, तो उसको ना कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ना खाना खाने का दिल करता है, ना कहीं जाने का दिल करता है, ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही बहुत होता है, तो इसलिए खैर मैं समझ सकता हूँ अच्छे तरीके से। चाय पी लेते हैं, वैसे 7 बजे डॉक्टर आ भी जाएगी, 6:30 बज रहे थे तो आ गए, मेरे ख्याल से आ गए रहेंगे, चलिए चलते हैं। और घाई घाई में थोड़ी चाय भी ऊपर नीचे बन जाती है, तो इतना टेंशन नहीं लेने का गाइस आप लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी में सब काम ऐसे ही होता है। अभी शालो के मजे, शालो कभी खुशखबरी हुई तो थर्ड बेबी की? तब अच्छी बस हो गए नहीं, कभी बाई चांस हुई तो अचानक खुशखबरी, इस वजह से भी पेट दुखता है सालो, तुम भी दे रहे लगता खुशखबरी। चलो हुआ तो एक बात मान लो, हुआ तो मतलब तीसरी डिलीवरी वही करवाएंगे, अल्लाह हू अकबर,
जबरदस्ती अम्मी को इतनी तकलीफ दे रहे हो, वैसे ही माशाल्लाह मेरे अम्मी इतने प्यारे हैं कि फातिमा की पहले डिलीवरी तो बोलते ऐसे होती है, फातिमा भी वही हुई। हमारे अरहान बाबू की जिम्मेदारी भी मम्मी ने ले ली था, अब तीसरी। हाँ हाँ, साथ में कोई नहीं है, मैं हूँ ना, काम वाली लग रही है, पुंडे सर मतलब ठीक है। मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे नॉर्मली पेट दुख रहा है उनका, वरना आप लोग बोले भाई ये देखो ये भी खुशखबरी दे रहा है। और ये बंदी को देखो बोल भी दे कि अम्मी के पास छोड़ देना, मुझे ऐसा नहीं कि बोला नहीं अभी नहीं, बच्चे छोटे हैं अभी, इन लोग की फजीता हो जाती है, हाँ फजीता मतलब हालत ख़राब हो जाती है, वांदे हो जाते हैं, अभी बच्चे लोग को अच्छी तरबियत मतलब अच्छी तरबियत देना है, सिखाना है। मेन बात ये देखो ये जो बटला है ना अभी बहुत छोटा है, तो अभी इंशाल्लाह हम लोग खुद ही नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमको सलामत रखे और अच्छी अच्छा फैसला लेने की तौफीक दे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना गाइस जल्दबाजी में कुछ भी कर लेते हैं, तो अल्लाह पाक हमको अच्छे मतलब क्या बोलते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, अच्छे लोग अच्छा रहे तो तुमको तकलीफ हो रही, चलो बुरका पहन चाहने तो कोई बात नहीं, बस अल्लाह पाक सही फैसला लेने की तौफीक दे। हाँ बराबर, आप सही बोला मैंने, उठो बुरका पहनो तुम, ये देखो इनको, उठो बेटा उठ जाओ, जाओ जल्दी 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 जाओ। ये बात तो है कि जो भी मतलब बच्चा वगैरह आता है अल्लाह पाक उसका रिस्क साथ में भेजता है, तो वो किसी का रिस्क लेके नहीं आता है, जब माँ के पेट में होता है, जब माँ के पेट में होता है तभी अल्लाह पाक उसका रिस्क माँ के ज़रिए लिख देता है माशाल्लाह। तो ऐसे ही बात नहीं है कि हम लोग औलाद ना ही होने देंगे, ऐसा ज़रा भी नहीं है गाइस, और अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका नॉर्मली दर्द है मेरे को तो, है ना प्यारे प्यारे ना तुम। हाँ बेटा, तुम गाइस इतना अब्बू बोलती है, इतना अब्बू बोलती है। हाँ मालूम है मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा अब्बू हूँ, अब्बू मैं तुम्हारा बेटा, ठीक है, अच्छा पैर दबा दूँ, चलो ठीक है मैं पैर दबा, और जो भी औलाद है अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि मुझे भी बहुत अफसोस होता है जब लोग बोलते हैं कि मेरे को 13 साल 14 साल 15 साल हो गया, औलाद नहीं हुई, और जिसको अल्लाह पाक औलाद देता है तो लोग मतलब कदर नहीं कर पाते हैं, अल्लाह पाक हमको भी अपने औलाद के कदर करने की तौफीक दे, और जो भी औलाद है अल्लाह पाक उसको साहिब औलाद बनाए, तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, और आप लोग भी दुआ कीजिए सबके लिए कि अल्लाह पाक सबको अच्छी सोच नेक बनाए और सही फैसला लेने की तौफीक देगा, इसमें तो यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत से लोग फैसला नहीं ले पाते हैं जल्दबाजी में या इसकी उसकी सुन के, या बहुत बहुत मसला हो जाता है, लेकिन इनका पेट दुख रहा देख कर ना गाइस, मेरे को ना चाय और पाव हलक में जा रहा नहीं है, बाद में आके खा लूँगा, नहीं उतर रहा हलक से, अरे तुम तकलीफ में, मैं ऐसा खा लूँगा यार, ऐसा अच्छा लगेगा ऐसे पागल, चलो आके खाते हैं उसको, ठीक है चलो पहन लगे ले लेकर, चलो मम्मा मम्मा कहाँ जा रहे, दवा खाना कहाँ जा रहे, अरे बाप रे सो जाओगे, हगू कर रही क्या, लेकिन ऐसी हरकत ना तभी करती है, नहीं कर रही अगू, नाटक मत करो, नाटक कर रहे ना तुम, अब्बू अम्मी को सता रहे ना, बोलो अब नहीं सताऊंगी अम्मी तुमको, मैं बोलो अब्बू तुमको भी नहीं सताऊंगी मैं, अभी ना उसको रात में ना 12 बजे सुलाना पड़ेगा, बहुत लेट सोती है ना ये, इसलिए ज़्यादा नखरे करती है। अरे मम्मा कहीं नहीं जा रहे मेरी जान, मम्मा बुरका पहन रहे, तुम भी चल रहे साथ में, तुमको थोड़ी ना छोड़ के जाएंगे हम लोग, ऐसा हो सकता है, हाँ भाई को भी लेके चलेंगे, ठीक है तुम भी चलना भाई भी चलेंगे, ठीक है हाँ अबू मेरी जान, तुमको भला कहीं छोड़ के जा सकता हूँ मैं, अच्छा शादी के बाद मेरे साथ रहेंगे, हाँ शादी के बाद मेरे साथ रहेंगे तुम, पहले पूछा था ना इसके, शादी के बाद मेरे साथ रहेगी ना बेटा, बोलती नहीं रहेंगे ना शादी के बाद मेरे साथ, नहीं हाँ बेटा चल, हाँ मम्मा बुरका पहन दो, मम्मा बुरका पहन दो, चल है ना बुरका पहन रहे ना, बोलो मम्मा टेंशन मत लो तुम, अब्बू है तुम्हारे साथ में, ठीक है हाँ अब्बू साथ में है तुम्हारे, टेंशन नहीं लेने का है ना, हाँ जूता 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 नहीं, पैदल नंगे पैर चलने का तुमको, ठीक है तुम जब बड़े हो जाएंगे ना तब जूता पहनना, ठीक है लाइट चालू कर दो, अंधेरा दिख रहा ना, हाँ सब चीज़ में हाँ हाँ बोलती है। अबू कहाँ पे गए थे सुबह में, हाँ अबू कहाँ गए थे सुबह में, कहाँ पे गए थे अबू, काम पे गए थे, कैसे काम करते हैं अबू जरा बताओ, कैसा काम काम कैसे करते हैं बताओ, कलर कैसे मारते दीवार पे,
बता दो ऐसा 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 कैसा मारते कलर। ये मेन बात ना, अभी सो के उठे ना इसलिए थोड़ा सी नखरे कर रही है। चलो पकड़ो इसको, नीचे लेके उतरूँ मैं, उतरूँ दोनों बच्चों को पकड़ के, दोनों बच्चों को पकड़ के मार दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब तो कई जान मेरी कलेजी, तुम्हारा तुम्हारी तकलीफ समझ के इसलिए तुमको माफ कर रहा, समझे। चलो थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मम्मा नहीं, अल्लाह ऐसा शोर सबको दे। आमीन आमीन। रुक जा, कड़ी मार देना कबाट में इसका कपड़ा निकाल। और वाकई गाइस, अल्लाह ने ना मर्द को और औरत को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है कि औरत जो कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता, और मर्द जो कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती। तो चलो दोनों बचकाने को लेके नीचे उतर गया हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से, एकदम ईजी, टेंशन नहीं है भाई। ज़रा भी मेरे दोनों प्यारे प्यारे बेटे और बेटी। हाँ चलो उतर गए, उतर गए अपू, उतर गए ना। या अल्लाह, वो सिंगल उतरने के बावजूद भी बहुत सिलो उतरते, देखो कैसे दिखाता हूँ आप लोगों को। और मैं डबल में फटाफट उतर गया, ये देखो, ये देखो मम्मा आ गए, मम्मा सिलो मोशन, आ जाओ गाइस। पूरा लेके चलने की बात नहीं होती, पकड़ो। हंस रहे यार, चलो अभी टाइम लगेगा, दो तीन जन ले लिए साले है ना, और इसको अब्बू की बेटी को ले जाओ। अब्बू 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 के आगे कुछ है बेटा? हाँ अब्बू के आगे भी कुछ है नहीं, सिर्फ अब्बू। तो अभी बस लास्ट है, उसके बाद में हम लोग जाएंगे। तो देखिए अरहान के दादा आ रहे हैं, और क्या बोलते अब्बा, कहाँ जा रहे थे तुम, कहाँ जा रहे थे? पैसा लेने जा रहा था। अच्छा भाई, तो अभी है अंदर पे मोबाइल नंबर आने वाला है ना। माशाल्लाह, कहाँ गए दवा लेने आए? मम्मा का, मम्मा का दवा लेने आए। और बारिश से बारिश में चालू कैसे जाएंगे अभी? रुके के तो जाना पड़ेगा है। तो आ गया हमारा नंबर, तो मैं आ गई अंदर, डॉक्टर को बताती क्या तकलीफ है। हेलो, 3 साल हो गया अभी तक बोले ही। छोड़ो। तो दवा लेकर आ गए हम लोग, बोले कुछ भी नहीं है, दवा दिए हैं। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी शफीक भाई के घर पे, हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, तो अब्बा बोले चलो 10-15 मिनट शफीक भाई के घर पे बैठते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं अपन घर पे, है ना बेटा? हाँ। तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोले ना, सोनोग्राफी करवाने बोले, बोले नॉर्मली है, दुखता ही है। और कैसा अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों से बात शेयर करूँ अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मैं चलो दवा दिए हैं, बस दवा खा के इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है ना फातिमा, ठीक हो जाएगा ना? हो गया, हम लोग आ गए। अबू आ गए, आ गए फातिमा, देखो क्या भीगी है। बैठो बेटा, मम्मा आ रहे, मम्मा आ रहे, आ जाओ बैठो। अरहान का टकला बच गया, कागज डाल दिया था कागज। लेकिन गली के पानी से भीग गया थोड़ा थोड़ा। और क्या बोलते बादशाह? ओ माँ कसम, चालू तो कर। चालू है भाई, अंधेरे में चल रहा है। छोटू से बोलते अंधेरे में। अबू यही है बेटा, कहीं नहीं जा रहे हैं। अबू चॉकलेट, चॉकलेट चॉकलेट की झोल। तुम्हारी गोद क्या भरने का पैसे से? मेरे पास कोई नहीं है, अकेला हो गया, खाली गोद। अरे अब्बा तुमको शादी करने बोल रहे, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी करेंगे तो बर्बादी हो जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग क्या बर्बाद हो गए? हाँ अब्बा, तुम्हारे चारों बेटे शादी करके बर्बाद हो गए। हाँ वसीम की बात अलग है, लेकिन हम लोग बर्बाद नहीं हुए, समझे?
मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मना, काट दूंगा ठीक है, मैं बोल रहा कुछ नहीं। गाइस आज शफीक भाई फातिमा के नाखून काटने आ रहे हैं क्योंकि आतिफ को कल इसने बहुत जहर नाखून मारी ना, तो इसीलिए काट रहे हैं। कटा लो, अच्छे से कटा लो। अरे वाह फातिमा नाखून कटा रही है, और इसको देखो यहाँ पर बड़ी अम्मी के साथ खेल रहा है। अरे हाँ बस हो गया, बस हो गया, चलो चलो चुप रहो। ये ऐसी करती, पता नहीं क्यों क्या होता है इसको। मोती के साथ अंदर आज अंदर से एकदम जान जला के रोती है। ये देखो 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 देखो, चलो नाखून कटा लो, जल्दी नाखून कटा लो। क्या डाल दिया? क्या हो गया तुम्हारे? नहीं नहीं मत रोको, मत रोको, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अच्छा हो गया। अब आके मेरे गोदी में चुप बैठी। अब बारी है अरहान की। कितने लास्ट टाइम मैं काटा था, उसके बाद कटा नहीं अभी तक। कटा था चल साले। अरे कटा था, जुम्मा को मैं आया था। अबे कब जुम्मा है, एक महीना होने आया। रुक जरा, अरे बाप रे क्या बात है, बड़े अब्बू से नाखून कट रहे दोनों बच्चों के लोग के, माशाल्लाह। ये कुछ नहीं बोले, ये भी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी भाई के गोद में ना इसलिए रोना स्टार्ट कर दिया ना, बहुत प्यार से नाखून कटाती मेरी बच्ची है, ये मेरी जिगर की टुकड़ी है, पता नहीं कब छुप रही है। जब मैं तेरे को प्यार नहीं करूंगी, मैं अरहान को प्यार करूंगी। देखो दूसरा बाबू मिल गया, अल्लाह से अब तीसरा बाबू भी आने वाला है। अप्रैल में आएगा, अप्रैल में। ये जनवरी, फातिमा जनवरी की है, अरहान फरवरी का, वो मार्च में आएगा। मार्च या अप्रैल में? मार्च में, 3 महीना चलेगा। बोलो शाल। गाइस मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मली दवा लेकर आए हैं, खाएंगे, पेट दर्द ठीक हो जाएगा इनका, वो ना पता चला मेरे को भी बोल रहे हैं। आप लोग, आप भी खुशखबरी दे रहे हो क्या वसीम के ऐसा? ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है क्या? तुम भी दे दो भाई जल्दी खुशखबरी। बोले साथ में नाम लिखा के साथ जल्दी जल्दी तुम्हारा नाखून। इसको ना सिर्फ भूख लगेगी तो रोता, वरना अंदर होता नहीं। अब्बा अब्बा गारंटी हुआ है मेरे इस बात में, छोटू जैसे मुंह खुला रखता है ना, बोले भूख लग रहा है। अब भूख लग रही है, जरा सा झड़ा तो यहाँ से नाखून से ज्यादा मैल लगा हुआ है नाखून में, देख। बच्चे लोग के नाखून बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे, और सौलिहा ने खाने के पहले जो बोले थे दवा लेने के लिए, तो दवा भी ले लिया, और देखो अभी रोटी बना रहे हैं। मेरा पेट मतलब दर्द हुआ, तुम्हें कितने दिन से बर्दाश्त कर रही थी? तीन चार दिन से बर्दाश्त कर रही थी मैं। अभी ज्यादा होने लगा? हाँ अभी ज्यादा होने लगा, इस वजह से दवा खाने में मन बोली कि मुझे लेके चलो, मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वरना माशाल्लाह सालिया ऐसे छोटी मोटी दर्द रहता ना, तो बोलते नहीं की दवा लेने चलो, ये लेने चलो, वो चलो, बर्दाश्त करते है। जब बर्दाश्त के बाहर जाता ना, तब मुझे बोलते हैं कि मैं, ये भी नहीं मुझे बोले, मैं बोला चलो दवा लेकर आ जाती, ये तो मुझे बोले नहीं कि दवा, फिर भी उनको मना करी कि जाने मत लेके चलो, एकदम बढ़ जाएंगे तो जब जाएंगे तब जाते हैं। हाँ चलो, हाँ जी दवा खा। अभी कैसा पेट दर्द? दवा खाए अभी? फर्क पड़ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलो पूरे तीनों टाइम की दवा खाएंगे ना, इंशाल्लाह और भी फर्क पड़ेगा। तो खैर अभी टेंशन लो मत, ठीक है, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो जैसे भी रहेगा मैं आप लोगों को वाइस शेयर करूंगा। तो चलिए आज के ब्लॉग इधर एंड करते हैं, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार से पड़े सी बनाए रखें।